नमस्कार राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री राम। गंगा दशहरा की आप सबको सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त अंकुर चौधरी एक बार अपने यूट्यूब चैनल खाटू श्याम ब्लॉग चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। और आप मेरा ये ब्लॉग का थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपसे। गंगा दशहरा 2024 की संपूर्ण जानकारी। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, गंगा दशहरा की परंपरा कब से चली आ रही है, इसमें क्या क्या होता है, वो सभी आपसे छोटी बड़ी सभी जानकारी करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अयोध्या में सागर महाराजा रहते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने अमिषेध यज्ञ का आयोजन किया। ऐसे में इंद्र ने अम्बदेश यज्ञ का घोड़ा चढ़ाकर कुचल दिया और इसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस कारण राजा के अनुच्छेद युद्ध में बाधा आ गई। राजा के साथ सभी पुत्रों ने घोड़े को खोजने की शुरुआत की जिससे यज्ञ पूरा हो सके। अतः वह यूं ही वह मुनि आश्रम में पहुंच गए। इसी दौरान में कपिल महर्षि कपिल ध्यान अभ्यास कर रहे थे। वहीं घोड़े को बांधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिल ऋषि ने की है। राजा सागर ने पुत्रों ने एक कपिल ऋषि ललकार को अनापित किया कि उस समय कपिल ऋषि क्रोधित हो उठे और राजा सागर के पुत्रों को भस्म कर दिया। ऐसे यज्ञ खंडित हो गए। इससे पश्चाताप महाराजा सागर के पुत्र ने आत्मा की शांति के लिए उपाय जाना। उन्होंने कार्य इसलिए माँ का गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया। इस दौरान ऋषि ने धरती पर मौजूद सारा जल को ग्रहण कर लिया और धरती पूरी तरह से मुख होकर के सूख गई। इसके बाद माँ गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए महाराजा सागर अनुष्मान और महाराजा दिलीप तपस्यामयी और ने लेकिन उन्होंने उनकी सफलता प्राप्त नहीं हुई। महाराजा दिलीप का पुत्र भागीरथ था। उनसे तपस्या कर ब्राह्मण जी ने प्रसन्न किया। अब हम बात कर रहे हैं अपने गंगा दशहरा की धर्मडेस्क की। धर्मडेस्क का मतलब होता है कब आता है, कैसे आता है, क्या क्या उस पर होता है, वो सभी आपको इस वीडियो की जानकारी हम देने वाले हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार वह वर्ष 16 जून 2024 को कब गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। शास्त्रों ने माना जाना है तो ज्येष्ठों के माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि व धरती पर माँ गंगा का अवतार हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक न्याय की इस शुभ अवसर में माँ गंगा में स्नान और पूजा करने को जातक के पापों से मुक्ति मिलती है और इसी के साथ जीवन की खुशियों में आगमन होता है। आइए जानते हैं कि आवश्यक धरती पर माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ था। भागीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई कब, हालांकि माँ गंगा के वे वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। माँ गंगा को शिव की जटाओं में स्थान दिया। तब एक शिवा में से माँ गंगा को धरती पर अवतार हुआ। भागीरथ ने रसातल को जगकर अपने पिटारों को उद्धार किया। जब माँ गंगा नदी में राजा सागर के पुत्रों की अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी माँ गंगा दशहरा की और कैसे माँ गंगा इस धरती पर प्रकट हुई, कैसे कैसे ये हुआ सब, मतलब इस वीडियो में आपको हमने बताया अपनी तरफ से। इस वीडियो में आपसे यहीं तक गुजारिश थी, अब यहीं तक बैठक थी आपसे। तो आइए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।